गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 13 और बच्चों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अगस्त के महीने में मरने वाले बच्चों की तादाद 309 हो गई है। पिछले दिनों करीब 5 दिन में 60 बच्चों की मौत सामने आने के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर कई सवाल उठाए थे। यूपी में बिल्डर्स की मनमानी को रोकने के लिए गठित 3 मंत्रियों की कमेटी ने बिल्डर्स और बायर्स से बातचीत की। कमेटी ने कहा कि वो निवेशकों की मदद के लिए हमेशा तैयार है और अगर कोई बिल्डर निवेशक को धोखा देता है तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। समिति ने यह भी कहा कि जब तक आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक बिल्डर्स को पैसा नहीं दिया जाएगा। इलाहाबाद पुलिस ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति खुद को सीबीआई का एसपी बताकर पुलिस के अधिकारियों को धमकी देता था। शक होने पर पुलिस वालों ने सीबीआई दफ्तर में फोन किया तो पता चला कि इस नाम का कोई अधिकारी वहां है ही नहीं। बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा है कि उनकी जानकारी में कोई ऐसा कानून नहीं जो कुर्बानी से रोकता हो। उनके मुताबिक बूचड़खानों को लेकर कानून है और उसका पालन हो रहा है। यूपी सरकार ने कहा कि राज्य में छोटे जानवरों की कुर्बानी देने के लिए पहले आवेदन देना होगा। लखनऊ के जॉन विनी स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि टीचर रेटिका वी जॉन छात्र रितेश गुप्ता पर लगातार थप्पड़ बरसा रही है। यही नहीं, टीचर ने बच्चे का कॉलर पकड़कर घसीटा, गला दबाया और सिर को ब्लैक बोर्ड पर पटक दिया। शिकायत के बाद स्कूल प्रशासन ने टीचर को नौकरी से निकाल दिया है। पंजाब के फाजिलका में डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने डेरे की संपत्ति का आकलन किया है। जिले में डेरे के 7 नामचर्चा घरों की जमीन, वाहनों और दूसरी संपत्तियों की कुल कीमत 4,27,00,000 आकी गई है। प्रशासन की टीम ने सभी नामचर्चा घरों पर ताले लगा दिए हैं। यही नहीं, प्रशासन ने डेरे के नाम पर 42,00,000 का बिल भी जारी किया है। पंचकुला पुलिस ने राम रहीम के अखबार सच कहूं के पत्रकार सुरेंद्र इंसा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुरेंद्र इंसा को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सुरेंद्र पर 25 अगस्त को पंचकुला में हिंसा भड़काने का आरोप है। पंजाब के मुक्तसर में डेरा समर्थकों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। डेरा समर्थकों का एक वीडियो पुलिस के हाथ लगा है जिसमें कुछ लोग देश विरोधी बातें करते नजर आ रहे हैं। ये लोग धमकी दे रहे थे कि अगर राम रहीम को सजा हुई तो देश को आग लगा देंगे। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। लुधियाना में स्वाइन फ्लू से लोगों में दहशत है। जिले में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है जबकि 108 संदिग्ध मामले मिले हैं। मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग पुख्ता इंतजाम के दावे कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू से जुड़ी जानकारियां देने के लिए शहर में पोस्टर भी बांटे। तरनतारन में एक महिला ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। महिला को चोरी के आरोप में थाने लाया गया था। महिला का आरोप है कि पुलिस वालों ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया और अश्लील फिल्म दिखाकर परेशान भी किया। दोबोरजी गांव की पंचायत ने महिला को पुलिस स्टेशन से छुड़ाया और प्रदर्शन किया। डीएसपी ने आरोपी पुलिस वालों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।